गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो अब हमारे पास बहुत कम समय है, कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का जो वीडियो है वो प्रोटोजोआ का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ युगलिना। दिस इज़ ऑल्सो लास्ट जीनस ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे हम लोग युगलिना का बेसिकली इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ही डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो युगलिना इज़ द स्पेंडल ऑर्गेनिज्म, और इनका कॉमन जो स्पीशीज है युगलिना वेरिडेस है। इनकी जो हैबिटेट है फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड पूल्स है, ऑल्सो ऑकर्स ऑन मॉइस्ट मड। इसके साथ ही युगलिना फ्री लिविंग है, सॉलिटरी मीन्स अकेले ही ये मूव करता है। यूनिसेलुलर फ्लैजलेट प्रोटोजोअन है। युगलिना के न्यूट्रिशन की बात करें तो युगलिना इज़ मिक्सोट्रॉफिक मीन्स होलोफाइटिक प्लस सैप्रोबिक, दोनों ही तरीके के न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट करता है। होलोजोइक और फैगोट्रॉफिक फॉर्म्स आर एब्सेंट। जब इनके अंतर्गत जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है तो वहाँ हेक्सो शुगर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ पैरामाइलम और पैरामाइलॉन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो याद रखना है आपको। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स सिस्टमैटिक पोजिशन और क्लासिफिकेशन। सो फाइलम इज प्रोटोजोआ, सब फाइलम इज सार्कोमैस्टिगोफोरा, सुपर क्लास मैस्टिगोफोरा, ऑर्डर फाइटोमैस्टिगोफोरिया, ऑर्डर ऑर्डर युगलिनिडा, जीनस युगलिना, स्पीशीज वेरिडेस। नाउ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बेसिकली यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी एविडेंस युगलिना वेरिडेस में दिखाई नहीं देता। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, बिकॉज ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, इसका जो शेप होता है ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ लॉन्गिट्यूडनली ही डिवाइड करना पड़ता है। एंड मल्टीपल फिजन एंड अंडरगोज इन सिस्टमेंट, सिस्ट का भी फॉर्मेशन होता है फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द बॉडी इज कवर्ड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉलोड बाई पेरीप्लास्ट और पेलिकल। इनके बॉडी में जो आउटर कवरिंग है वो पेलिकल या पेरीप्लास्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही बना हुआ है। और इनका जो पेलिकल है उसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है प्रोटीन का बना हुआ, प्रोटीन नियर अबाउट 80% प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स के बने हुए हैं। नाउ मूवमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो मूवमेंट इनका बाय स्विमिंग एंड बाय क्रीपिंग मूवमेंट और मेटाबॉली, तो इस तरह के मूवमेंट को फ्लैजुलर मूवमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइप करने में, यहाँ पे कॉपी हो गया है गलती से। फ्लैजुलर जो मूवमेंट है वो यहाँ युगलिनॉइड के प्लेस पे होगा और युगलिनॉइड जो है वो नीचे वाले के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं मूवमेंट। तो जो फ्लैजुलर मूवमेंट है उसके वजह से मीन्स उसके अंतर्गत स्विमिंग होता है या क्रीपिंग मूवमेंट होता है, इसको मेटाबॉली भी कहते हैं। वाइल इन केस ऑफ युगलिनॉइड तो युगलिना वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो होता है वो मूव करके चला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर वाला जो पॉइंट है, तो यहाँ अगर स्ट्रक्चर देखें तो फ्लैजलम जो होगा एक स्वेलिंग पॉइंट होता है, यहाँ फ्लैजलम होता है, उस स्वेलिंग पॉइंट को जो है पैराफ्लैजल बॉडी या फोटो रिसेप्टर कहते हैं। तो पोस्टेरियर एंड जो है वो पॉइंटेड होता है। तो स्ट्रक्चर में यहाँ देख लीजिए, तो जो फ्लैजलर जहाँ से फ्लैजला की ओपनिंग होती है इस जगह पे, तो यहाँ वाले स्ट्रक्चर को पैराफ्लैजल बॉडी ये रिप्रेजेंट किया गया है। जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है एक स्वेलिंग पार्ट है उसको पैराफ्लैजलर बॉडी के नाम से जानते हैं। यहाँ जो है इस तरह के फोटो पैराफ्लैजल बॉडी को फोटो रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो इसके एंटीरियर पार्ट पे पाए जाते हैं जहाँ से फ्लैजला की ओरिजिन होती है। पोस्टीरियर जो पार्ट होता है दैट इज़ पॉइंटेड, यानी पॉइंटेड है। एंटीरियर एंड ऑफ द सेल इज ब्लंट एंड बियर्स अ एसेंट्रिक साइटोस्टोम माउथ। एंटीरियर एंड देख लेते हैं फिर से हम लोग फिगर में। तो एंटीरियर एंड जो है वो ब्लंट है, थोड़ा सा कटा हुआ है, कटा हुआ टाइप का है, और यहीं पे इसका माउथ साइटोफैरिंक्स जो है वो सिचुएटेड है, जिसको युगलिना का माउथ भी बोलते हैं। तो इसके बाद जो है द साइटोस्टोम लीड्स इन अ ट्यूबुलर कैनाल ऑल्सो कॉल्ड साइटोफैरिंक्स। आगे जो साइटोस्टोम वाला पार्ट है वो एक ट्यूबुलर कैनाल में के थ्रू आगे साइटोफैरिंक्स में ओपन होता है।
इसके बाद जो एंटेरियर एंड्स है वो एक्सपेंड, द लेटर एंटेरियर के लिए ही लगा है, एक्सपेंड करता है बेस पे और वहीं पे एक राउंडेड रिजर्वायर प्रेजेंट होता है। तो राउंडेड रिजर्वायर देखते हैं छोटे से स्ट्रक्चर में, यहाँ पे रिजर्वायर आपको रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये भी एंटेरियर प्लेस पर ही है। रिजर्वायर का भी फंक्शन हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो एट वन एंड ऑफ द रिजर्वायर द साइटोप्लाज्म कंटेन एन ऑरेंज रेड स्टिग्मा आई स्पॉट, जहाँ पे रिजर्वायर है वहीं पे हमारा एक ऑरेंज रेड स्टिग्मा या आई स्पॉट जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ स्ट्रक्चर को फिर से हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में फ्लैजलम यानी साइटोस्टोम, जहाँ पे जिसको यूलिना माउथ बोलते हैं, यूलिना माउथ साइटोस्टोम वाला पेस, वहीं से फ्लैजला भी आउटग्रोथ के फॉर्म में बाहर निकल के आता है। साइटोस्टोम में नेक्स्ट जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ ओपन होता है उसको साइटोफैरिंक्स बोलते हैं। इसके बाद जो है वहीं पे पैराफ्रेजर बॉडी ये यहाँ प्रेजेंट है, स्टिग्मा, ब्लेफरोप्लास्ट, पैरामाइलॉन ग्रैन्यूल जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, रिजर्वायर, लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसके बाद जगह जगह क्लोरोप्लास्ट, एसेस्ट्री कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, माइनोनिम्स, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, न्यूक्लियस, दिज आर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स और पार्ट बिलोंग्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ यूगलिना। इसके बाद जो है साइटोप्लाज्म में इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। तो जो लेटर पार्ट है यानी एंटीरियर पार्ट है वो फोटो सेंसिटिव है। जस्ट बिलो द रिजर्वायर फाउंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हैविंग मैनी फीडिंग कैनाल्स, जहाँ पे रिजर्वायर है उसी के पार्ट्स जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के पास बहुत सारे कैनाल्स होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का हम लोग फंक्शन लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्सपेंड्स करता है, पम्प्स करता है इसका फ्लूइड कंटेंट द रिजर्वायर, और जो फ्लूइड है वो रिजर्वायर में अपना जो फ्लूइड है वो कंटेन कर लेता है। क्लोरोप्लास्ट आर न्यूमेरस, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है, डिस्क्वायर शेप्ड या रिबन लाइक के यहाँ प्रेजेंट होते हैं। पायोनोइड्स यानी प्रोटीनेसिस जो बॉडी में भी प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में हो सकता है। क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल ए और बी दोनों ही प्रेजेंट हैं। एंडोप्लास्ट में कुछ माइलियम बॉडी या पैरामाइलॉन, इसको पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये एक्चुअली में है क्या, ये हेक्सो शुगर है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है। तो ये बीटा 1,3 ग्लूकेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हेडिंग है जिसमें यूगलिना एज एन एनिमल और एज अ प्लांट, एनिमल का भी बिहेव करता है, प्लांट का भी बिहेव करता है, बट स्टडीज़ ये कहती हैं कि इसमें प्लांट्स लाइक कैरेक्टर्स जो हैं वो एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा हैं। तो हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर एनिमल कैरेक्टर्स। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट इज़ एब्सेंट ऑफ सेल वॉल, आउटर लेयर इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल्स फॉर्मिंग द ब्लेफरोप्लास्ट और काइनेटोसोम्स। रिजर्व फूड इज़ पैरामाइलॉन विच इज़ नॉट रू स्टार्च। प्रेजेंस ऑफ पैराफ्लैजलर बॉडी अ सेंसरी फोटोरिसेप्टिव ऑर्गेनस। Moves from one place to another like an animal. Response to various stimuli like an animal. Pinocytosis and probably holozoic nutrition takes place. These are animal characters जो represent करते हैं कि animal है यूगलिना। Now plant characters देख लेते हैं, यहाँ पूरे characters का तो नहीं बताया गया, कुछ important basic जो characters है plants के वो दिखाए गए। तो presence of chloroplast with chlorophyll, होलोफाइटिक फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, इस तरह के दो जो है प्लांट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद सम यूगलिनॉइड फ्लैजलेट्स के नेम्स भी याद करने ज़रूरी है। तो यूगलिना स्पायरोगायरा, यूगलिना ग्रैसिलिस, एस्टेसिया लॉन्गा, पैरानीमा ट्राइकोफोरम, दिज आर सम यूगलिनॉइड फ्लैजलेट्स। सो प्लीज़ प्रिपेयर खासली, वीडियो को जो है ज़्यादा ज़्यादा देख कर अपना प्रिपरेशन जो है अच्छे से स्टार्ट करिए और आगे जो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए हम दोनों नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।